हेलो फ्रेंड्स, डेली किचन ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे नमकीन पोहे, जिसके लिए हमें 250 ग्राम पोहे की ज़रूरत है। इसे हम धो के साइड रख लेंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। उसके बाद देखते कुछ सामग्रियों की ज़रूरत है, ये सब जैसे कि एक मिर्च हो गई जिसे हमें काट लेना है, चार पांच काजू काट लेना है, एक बड़ा सा प्याज काट लेना है, 100 ग्राम मूंगफली है, 15-20 किशमिश हैं, थोड़ी सी राई है और आधा नींबू है, एक कड़ी पत्ता है। अब हमने जो पोहे भिगो के रखे थे उसे ले लेते हैं। इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच चीनी मिला लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल और हमें अब मूंगफलियों को भून लेना है। थोड़ी देर चलाते हुए जब मूंगफलियाँ भुनना चालू हो जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी फटने लगती हैं। अब इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सा तेल और डालेंगे मिर्च। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई जो हमने रखी थी, इसे हम चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे कढ़ी पत्ता, इसे भी थोड़ा सा चटकने दें। उसके बाद हम डालेंगे काजू, काजू डाल के थोड़ा सा प्याज जो हमने काट के रखा था उसे चला लेना है। इसे हल्का गुलाबी हमें करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हल्का गुलाबी हो चुका है ये। अब हमें इसमें डालनी है किशमिश। अब इसे भी डाल के थोड़ा सा चलाना है 10-15 सेकेंड के लिए। इसको चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर बस ऐसे। अब इसमें डाल देने हैं भिगोए हुए पोहे। पोहे डाल के हमें चला लेना है। अब इसमें डालना है चुटकी भर नमक और उसके बाद आधा नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेना है ताकि खट्टा मीठा और नमक तीनों का फ्लेवर आ जाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब भुनी हुई मूंगफली को डाल के चला लेना है। हमें गैस बंद कर देना है। अब ये तैयार हो चुकी है अच्छे से। इसे अच्छे से चला लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।